ज़्यादा फील होता है, अकेले रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो मैं कैसे मैनेज करती हूँ ये मैं ही जानती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपको आज के टाइटल से पता चल ही गया होगा कि मैं आपके साथ क्या शेयर करने जा रही हूँ, जो मैं बहुत दिन से हिडन करके रख रही थी और बहुत सारे व्लॉग्स में बहुत सारे लोगों को बहुत सी चीज़ें पता चल गई थी, और जिनको नहीं पता उनको अब पता चल जाएगा, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता है तो उन्हें भी अब पता चल जाएगा और मुझे कॉल्स आएंगे। सो यस, आई एम प्रेग्नेंट। सो मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जब हमें पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो क्योंकि हमारी शादी को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, बहुत ज़्यादा नहीं, तब भी 2 साल हुए थे, तो क्योंकि हर कोई बोलता है बेबी कब कर रहे हैं, बेबी कब कर रहे हैं, बेबी कब कर रहे हैं, तो सबके एक ही क्वेश्चन होते हैं और हमारा कोई जवाब नहीं होता था। तो उसके भी अपने रीजंस थे, हम नहीं कर रहे थे, उसके भी अपने रीजंस थे, और बस अचानक से सब कुछ हो जाता है ना, तो बस वही अचानक से सब कुछ हो गया, क्योंकि बस क्योंकि मैंने सोचा कि हर चीज़ को बराबर बैलेंस करके चलना चाहिए, तो मैंने कहा ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जब हमें पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वी आर एक्सपेक्टिंग, तो फिर मेरे पति देव ने सारा काम घर का करना स्टार्ट कर दिया था, और उस बीच बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए, जो आपको मुझे मेरे ब्लॉग में पता भी है। मैंने ब्लॉग्स डालना भी कम कर दी, वीडियोस भी नहीं डालती थी मैं, और मेरी तबीयत 1 to 5 मंथ से बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। साथ ही साथ मुझे एक्सेस वॉमिटिंग होती थी, पेन होता था, स्वेलिंग, इचिंग, आई डोंट नो, बहुत कुछ होता था। तो मेरे साथ बहुत इश्यूज हुए, बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए। सो अभी मेरा 6 month चल रहा है, और मैंने सोचा कि ये सही टाइम है बताने का। और कोई बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि मेरे टिटनेस के इंजेक्शन्स क्यों लग रहे हैं, तो मेरे टिटनेस के इंजेक्शन्स इसलिए लग रहे थे, तो मुझे 2 टिटनेस के इंजेक्शन्स लग चुके हैं, तो मैंने उन दोनों का व्लॉग बनाया था। मैंने अपने अल्ट्रासाउंड का भी व्लॉग बनाया था, मैंने हर चीज़ का व्लॉग बनाया, बट शेयर नहीं किया। बहुत लोग को पता चल गया था, लेकिन बहुत लोग को पता नहीं चला था। सो दमन के टाइम बहुत लोग को पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो जी हाँ, मैं उस समय 3 months प्रेग्नेंट थी दमन जब मैं गई थी। उस समय मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, लेकिन तब भी हम लोग गए थे क्योंकि मेरा मन था घूमने जाने। आई डोंट नो कि कोई मेरा कौन कोई प्रेग्नेंट लेडी मेरा ब्लॉग देख रही होंगी, या कोई एक्सपेक्ट कर रही होंगी, या एक्सपेक्टिंग करने वाली होंगी। तो अगर आप कोई भी होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे पढ़ के मुझे जान के बहुत खुशी मिलेगी। सो अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ शेयर करना बाकी है, अभी तो जर्नी स्टार्ट ही हुई है। तो बस मैं आपसे इतना ही चाहूँगी कि आप बहुत सारा प्रे करो, बहुत सारा विशेष दो, क्योंकि विशेष से बढ़ के कुछ नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है। मुझे बस विशेष चाहिए, क्योंकि इस कोविड के टाइम में, जैसे कि आपने मेरे पहले व्लॉग में भी देखा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि मैं इतना पैनिक हो गई थी, इतना ज़्यादा पैनिक हो गई थी, मुझे 1-2 लोग की डेथ न्यूज़ मिले थे, इसलिए मैं पैनिक हो गई थी। और मेरी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं थी, ठीक या अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी सी ठीक है। तो मैं दिन रात रोती थी कि मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है। और आपने जैसे कि पिछले व्लॉग में देखा कि मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें भेजी थी, तो यही एक कारण था कि उन्होंने मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें भेजी थी। मेरा इतना खाने का मन करता था, क्योंकि यहाँ लॉकडाउन लग चुका है, अब हम कुछ भी नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं मंगा सकते। तो स्पेशली मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड जी मेरा बहुत केयर करते हैं, बहुत केयर करते हैं, बहुत मतलब बहुत केयर करते हैं, चाहे वो खुद से कपड़े धोना हो, संडे टू संडे कपड़े धोना हो, घर में पोछा लगाना हो, बर्तन धोना हो लंच का, या फिर बाकी सारी चीज़ें, बॉडी में तेल लगाना हो, हर एक चीज़ वो करते हैं, हर एक चीज़ को कंप्लीट भी करते हैं, और बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। और हाँ, मैं अकेले रहती हूँ, जैसे कि मैंने कई बार बोला है कि मैं अकेले रहती हूँ, सो मेरे साथ कोई नहीं रहता है, कोई भी टेक केयर करने के लिए नहीं है। और मैंने जैसे कि बोला कि हम, आई डोंट नो मैंने बोला कि नहीं बोला, हम वो
मेड नहीं रख सकते क्योंकि हम यहाँ डिफेंस एरिया में रहते हैं, तो डिफेंस एरिया में मेड रखना अलाउड नहीं है। सो इसलिए सारे काम हमारे पति देव ही करते हैं। जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करती हूँ, बाकी सारे वो करते हैं। और हाँ, अब थोड़ी सी दिक्कतें होने स्टार्ट हो चुकी है और हमारी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ज़्यादा ही अप एंड डाउन से भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा ही भरी हुई थी। और मैंने जितना सफ़र किया उतना मेरे हस्बैंड ने भी सफ़र किया, उन्होंने दुगना किया, लेकिन उनसे दुगना से भी तिगुना मैंने सफ़र किया क्योंकि उनको पैरालिसिस हो गया था। जैसे कि आपने मेरी वीडियोज़ देखी थी, मैंने वीडियो में बताया था कि उनको पैरालिसिस हो गया था। तो बस बुरा लगता था, तकलीफ होती थी क्योंकि उस समय मेरा स्टार्टिंग टाइम था तो मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी। बट ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा ठीक हैं और अच्छे हैं और एकदम रिकवरी अच्छी से हो गई है। बस मैं चाहती हूँ कि आप प्रे करो, ब्लेसेस दो और इस वीडियो को बहुत सारा लाइक। जब तक आप जो चीज़ें फील नहीं करते तब तक आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं चलती है। तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से याद आती है, जब मेरी माँ बोलती थी कि जब खुद का बच्चा होगा तो समझ में आएगा, तब हम लोग रिएक्ट करते थे कि अच्छा अच्छा ठीक है चलो चलो ठीक है, तो हम इस तरह का रिएक्ट करते थे। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा फील होता है, अकेले रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो मैं कैसे मैनेज करती हूँ ये मैं ही जानती हूँ और हमारे पति देव ही जानते हैं, लेकिन ठीक है हम मैनेज कर रहे हैं। और आगे से आपको मेरे सारे प्रेगनेंसी ब्लॉग्स ही देखने के लिए मिलेंगे। सो मेरे बहुत सारे अल्ट्रासाउंड हो चुके हैं, बहुत से होने बाकी हैं, सबके रिएक्शंस बहुत अलग अलग थे और हमने ज़्यादा लोग को बताया भी नहीं क्योंकि बस नहीं बताया, नहीं मन था बताने का इसलिए नहीं बताया। तो चलिए मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, हर चीज़ मैं यहाँ नहीं कहना चाहती। अब बाकी सब आप मेरे ब्लॉग्स में ही, गुड न्यूज़ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल करिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा कि कौन कौन एक्सपेक्ट कर रहा है, किस किस को क्या क्या लगा। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे अब फ़ोन करने वाले हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जो बोलेंगे हमें बताया नहीं। सो ये वाला सिचुएशन अब होने वाला है। तो चलिए मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ।